बिहार सरकार के द्वारा बिहार के छात्र छात्राओं को कई लाभ दिए जाते हैं। सरकार के द्वारा इनके लिए कई योजनाओं को निकाला जाता है, जिससे छात्र छात्राएं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है 10वीं पास छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाने की। लेकिन बता दें कि यह प्रोत्साहन राशि उन छात्र छात्राओं को ही दी जाती है जिसने 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण किया होगा। सरकार के द्वारा यह प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाती है। बिहार सरकार के द्वारा अब इस योजना में विशेष प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए की गई है। बता दें कि वैसे छात्र जो SC और ST वर्ग से आते हैं और वे 10वीं में सेकेंड डिवीजन से भी पास होते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पर 8,000 रुपए दिए जाते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ छात्र कैसे उठा सकते हैं और इसकी शर्तें क्या हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ बिहार के सभी वर्गों के बालक बालिका उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों को निर्धारित किया गया है। इस योजना का लाभ वही छात्र छात्राएं उठा सकते हैं जो अविवाहित हैं। वहीं इस योजना का लाभ पाने वाले छात्र को 10वीं बिहार राज्य बोर्ड से ही पास करना होगा। अगर वो किसी और बोर्ड से 10वीं पास करते हैं तो वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। इसके साथ ही आवेदक बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आवेदक को बिहार शिक्षा की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर लॉगिन करके आवेदन को पूर्ण सबमिट करना होगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों के पास मूल दस्तावेज होने चाहिए, जिनमें शैक्षणिक पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास आधार कार्ड, बैंक डिटेल, स्कूल की फीस रसीद शामिल है। इन सभी दस्तावेजों की डिजिटल प्रति को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। वहीं SC और ST वर्ग वाले आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के जरिए बिहार सरकार हर साल लाखों बच्चों के भविष्य को सुंदर बनाने की कोशिश करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार के वे सभी छात्र छात्रा जो आर्थिक रूप से कमजोर है वे शिक्षा ग्रहण करने में पीछे न रह जाए। बिहार सरकार के द्वारा इस प्रोत्साहन राशि से पढ़ाई में आने वाले खर्च को कम करने की कोशिश की जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।